वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। यार गाइस आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ वसीयत बीबी फातिमा जहरा बाय मीर हसन मीर। एंड यस इस नोहे की रिक्वेस्ट भी बहुत दिनों से आ रही थी इसलिए मैंने फाइनली आज ले लिया है। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं भाई रिक्वेस्ट नहीं ले तो भाई मैं लूँगा यार थोड़ा आराम से। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है यार, मतलब तुम एज ए व्यूअर देख रहे हो बट मैं तो भाई क्रिएटर हूँ वीडियो बना रहा हूँ समझो मेरी थोड़ी सी परेशानी में बनाऊँगा। टेंशन मत लो, मैं मतलब एकदम हरामी नहीं हूँ, मैं बनाऊँगा रिएक्शन टेंशन मत लो ठीक है। तो यस वसीयत है बीबी फातिमा जहरा। तो बेसिकली जो बीबी फातिमा जहरा सलाम उल अली तो उनकी वसीयत को लेकर पूरा नोहा है। जब उनकी शहादत होगी तो उनकी एक वसीयत थी जो उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के को लिखा था। एंड उस वसीयत में बहुत सारी चीज़ें थी एंड उनमें से एक चीज़ ये भी था कि जो उनके बेटे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको बहुत प्यास लगती है, उनको कभी पैसा ना रखना। तो उन्होंने ये चीज़ भी लिखी थी उस वसीयत के अंदर में और बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। अब मुझे उतना नहीं पता क्या लिखा था बट जिसने मुझे मतलब जिसको मैंने पूछा उसने मुझे बता दिया ये सब है इस नोहे के अंदर वसीयत को लेकर पूरा ये नोहा है। तो या आप जो भी है उस वसीयत के अंदर क्या है नहीं है मुझे लग रहा है इस नोहे में चलने वाला है पता। तो विदाउट इन वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक। अलविदा फातिमा खाए बाद बाबा के जो गुजरी वो मुसीबत वसीयत सुन लो आज रुखसत हो रही है तुमसे जहरा या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे जहरा या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे पसलियाँ तोड़ी गई कैसे ये बतलाऊंगी मैं हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं हाथ पे गलू से न तुम मेरा हटाना आपने अच्छा हुआ देखी नहीं अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं ऐसा कहती है ज़ैनब ये मुझसे देख कर चेहरा मेरा आपके रुखसार पर ये नील है कैसा पड़ा अरे मैंने खाया है तमाचा मत बता से सहरा या
से सहारा पाया ताजियाने की अजियत का उठाना एक तरफ वो तमाचे कत्ले मोहसिन दर जलाना एक तरफ सबसे मुश्किल था मगर दर तलकीन पढ़ना याद कर लेना जरा डर के गिरने से मेरा बाजू भी है टूटा हुआ मेरे शानों को जरा धीरे गिलाना याद आज रुखसत हो रही है तुमसे चाहे आ जाए कयामत मुझसे ये वादा करो जब तलक मौला मेरे शबीर की मर्जी न हो और तब तलक मेरा जनाजा मत से आई हूँ पलट कर फिक्र है मुझको यही मैं तो पर्दे में गई फिर भी ज़ईफ़ा हो गई बेरिदा दरबार से ज़ैनब को जाना यादी से सहारा यारी आज रुखसत हो रही है तुमसे सहारा यारी करबला में जब मेरे मज़लूम पर खंजर चले प्यास के आलम में वो गाजी को जब हाथ पहलू पर रखे बोली तकल्लुम फातिमा मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कह देना जरा जल्द आए मेरे मेहदी का जमाना याली से सहारा यारी तुमसे सहारा यारी तुमसे सहारा यारी बहुत बहुत इमोशनल हुआ था ये बहुत इमोशनल हुआ था
जो वसीयत लिखी थी ना मौला अली को उन्होंने, कि यस जो जो उनके साथ उनके जाने के बाद होने वाला है, जो उनके साथ हुआ है उन्होंने सब लिखा था, उनके साथ क्या क्या हुआ था, उनके साथ कितना बुरा सलूक किया गया था, उन्हें चाटे मार गए थे, उनके ऊपर दरवाज़ा गिरा दिया गया था, जलता हुआ दरवाज़ा, जिनसे उनकी जो एक हाथ था वो इंजर्ड हो गया था, एंड उनकी शहादत भी वहीं पर हो गई थी मैंने सुना है, जो मतलब उनके साथ जो सलूक करा गया, दरवाज़ा जलता हुआ गिरा दिया गया, तमाचे मारे गए, एंड उन्होंने ये भी वसीयत में लिखा था कि जहाँ मेरा इंजर्ड हिस्सा है, जहाँ मुझे चोट लगा है, वहाँ मेरा हाथ ऐसे रखे रहने देना, वो हटाना नहीं वहाँ से। यस, एंड बहुत सारी बातें भी करबला को लेकर लिखी गई थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर लिखी गई थी कि जब उन्हें प्यास लगेगा, जब वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे, तो उस वक्त मैं भी वहाँ पर रहूँ, मौला अली आप भी वहाँ पर रहना, एंड जब ही मेरा जनाजा उठेगा तो जब तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की परमिशन ना हो, जब तक उन्हें वो ना कह दे कि मतलब इन्हें अब अर्थी जो इनकी उठा लो, उससे पहले नहीं उठाना। अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, कहना पड़ेगा बहुत सही लिखा है इन्होंने को, खास करके वो जो इसकी स्टार्टिंग की वर्ती कि वो जब मौला अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के जा रहे, रुखसात जो एक लाइन था ना, इसका हुक लाइन जिसे कह सकते हैं। यस, बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त। मीर हसन मीर की नोई होती बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्लीज़ मुझे बताना, जो मौला अली अलैहिस्सलाम थी उनकी शहादत कैसी हुई थी, अब मुझे ये जानना है। मतलब ये तो मुझे पता है बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत कैसी हुई थी, बट मुझे पहले नहीं पता था कि उनकी शहादत पहले हुई है और मौला अली अलैहिस्सलाम की बाद में हुई है, तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कोई डॉक्यूमेंट्री होगी मौला अली अलैहिस्सलाम को लेकर, तो वो भी मुझे बताना, मैं उस पर करूँगा ज़रूर, अगर तुम कहोगे तो ही करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, तो जब संडे वनडे होता है तो उस टाइम अपन करेंगे ज़रूर, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम की मुझे डॉक्यूमेंट्री भी रिएक्शन करना है। प्लीज़ मुझे बताना कैसे मतलब उनकी शहादत हुई या वफात हुई, मतलब वो भी कुर्बान हुए थे या फिर सिंपल जो एक आम आदमी जिस प्रकार से मतलब गुजरता है उस प्रकार से गुजरे, वो मुझे बताना। तो यार बहुत अच्छा नोहा, बहुत ज़बरदस्त रिसाइट किया, पोइट कोई और था बट रिसाइटर मीर हसन मीर थे, आई थिंक मीर तकल्लुम तकल्लुम ऐसे कुछ नाम था पोइट का। तो यार दैट्स इट, बहुत अच्छा नोहा था, बहुत ज़बरदस्त नोहा था। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।